वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस प्रिंसिपल और आपका इस चैनल में स्वागत है। तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कागज का जो डिस्पोजल कप है चाय का, इसको जलाना है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो कोई भी जला सकता है। पर अगर मैं ये बोलूं कि इसको जलाने का जो टाइम है, इसको जलने का जो टाइम है वो आपके हिसाब से कंट्रोल करना है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, जैसे जलेगा वैसे जलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको जला के देखते हैं कितना जलता है। तो गाइस ये देखिए कागज का जो कप है वो कितने फटाफट जल गया। तो अब क्या करेंगे, अब इस कप में थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको जलाएंगे। ठीक है गाइस, अब मैंने इस कप में पानी भर दिया। ठीक है, अब इसको जला के देखते हैं। तो गाइस ये जो कप है वो जल चुका है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं, जहाँ तक मैंने पानी भरा है वहाँ तक ही जल रहा है एक कप। ठीक है, और ये एक टाइम के बाद ये जलना बंद हो जाएगा, तो ये तो आइडिया काम नहीं करेगा। तो फिर आज का जो आइडिया है वो ऐसा है, करेंगे इसमें केरोसिन डालेंगे। ठीक है, तो केरोसिन ये जो बोतल है इसमें केरोसिन है, तो अब ये इसमें डाल के देखेंगे। तो गाइस मैंने इसमें केरोसिन भर दिया है, तो देखिए मैंने इसमें केरोसिन डाल दिया है। अब इसको जला के देखेंगे और फिर देखेंगे कितनी देर तक चलता है। तो गाइस देखिए मैंने केरोसिन डाल के इस कप को जला दिया है। अब ये जब तक वो केरोसिन खत्म नहीं होगा तब तक वो जलता रहेगा, तब तक बंद नहीं होगा। गाइस करीब एक मिनट हो चुका है, देखिए तो भी ये जो कागज का कप है वो अब तक जल रहा है। तो वाकई में गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये टोटली पूरा कागज का कप है या डिस्पोजल जो होता है वही है। इसको सिंपल जलाते हैं इतना फास्ट जल जाता है, पर जब मैंने केरोसिन डाल के जलाया तो देखो अब तक जल रहा है, और जब तक ये केरोसिन इसके अंदर का ख़त्म नहीं होगा तब तक वो भी जलना बंद नहीं होगा। तो गाइस आप इसको गैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो अपना इंडियन चूल्हा होता है उसके नीचे रखने पर भी ये काम आ सकता है। मिनट हो चुके हैं पर आपके सामने है, देखिए अब तक जल रहा है गाइस। अब ये धीरे धीरे बंद होने लगा है और ये फिलहाल बंद हो रहा है।